नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी भी जस्ट एक कॉल आया हमें रेस्क्यू के लिए MIDC से। अहमदनगर में बहुत सारी कंपनियां हैं MIDC विभाग, वहां से सुमित कांबड़े इन्होंने कॉल किया था। वहां पर मैनेजर का काम करते हैं। किसी कंपनी में एक सांप दिखाई दिया, बहुत बड़ा सांप है। कह रहे थे कि अजगर है, क्योंकि वो हमारे रेगुलरली वीडियो देखते रहते हैं, तो उनका दावा है कि अजगर ही है। मेरे हिसाब से वाइपर भी हो सकता है या फिर अजगर भी हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखते हैं वहां पर जाकर कौन सा सांप मिलता है। मेरे साथ आज नवा शेख और कैमरामैन अतुल पाखरे। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं पर एक अजगर सांप है, और यहाँ हम पहुंचे MIDC विभाग में। और यहाँ पर आए दिन सांप, ऐसे बड़े बड़े सांप निकलते रहते हैं, क्योंकि हमारा MIDC का विभाग एरिया जो है, यहाँ पर हमेशा ऐसे बड़े बड़े सांप अजगर निकलते रहते हैं। आज ऐसे हमें रेस्क्यू कॉल आया, सुमित कांबड़े इन्होंने कॉल किया था। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा अजगर, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर MIDC में किधर भी अगर सांप निकलते थे, ज़्यादातर लोग जो वर्कर लोग हैं डर जाते और डर के कारण सांपों को मार देते हैं। तो मैं सभी को विनती करना चाहूँगा कि ऐसा सांप अगर दिखाई देता है तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ अहमदनगर के लिए है। अहमदनगर में कहीं भी छोटा मोटा सांप दिखाई देता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कितना ही शांत अभी बैठा है, क्योंकि दोस्तों इधर बारिश के मौसम में जैसे हल्का सा बारिश होता है तो ऐसे बड़े सांप जो है अजगर निकलकर कंपनी में कहीं भी जो वर्कर लोग के रूम होते हैं, रूम के अंदर रूम के बाहर कहीं भी जाकर बैठते हैं। घाबरू नका घाबरू नका, काहीच घाबरायचं कारण नाही, पकडला तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफी बड़ा अजगर सांप है, और ज्यादा से ज्यादा ये 22 फीट तक बढ़ते हैं। और दोस्तों ये काफी शक्तिशाली सांप होता है, और कुछ लोगों का मानना है कि अजगर सांप काटता नहीं, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये बहुत ही जोर का काटता है और बड़ा सा घाव हो सकता है, क्योंकि उसका जबड़ा बहुत ही बड़ा होता है। दोस्तों अगर इसने काट लिया तो इंसान की मौत नहीं होने वाली, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा सा घाव हो सकता है। इसलिए बिना जहर वाला सांप भी है, बिना जानकारी के कभी भी किसी ने नहीं पकड़ना है। तो लगभग अभी इसका 15 किलो वेट होगा, और ये मैंने बताया कि दोस्तों कि अपने इंडिया में लगभग ये 22 फीट तक मिल चुके हैं, इसलिए हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि अजगर 22 फीट तक बढ़ सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह वो बाइट भी करता है, अटैक करता है।
जब तक सांप अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तब तक काटता नहीं, जब उसको खतरा महसूस होगा तब वो अटैक करेगा। कुछ दिन पहले अभी हाल ही में हमने एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब में, 10-12 दिन में, वहाँ पर हमने इससे भी बड़ा एक अजगर रेस्क्यू किया था इसी इलाके में, लेकिन कंपनी अलग थी। जैसे कि आप देख रहे दोस्तों कि अटैक कर रहा है ये, इसका नाम इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन, हिंदी में और मराठी में अजगर नाम से जानते हैं। और आप देख सकते हैं इसकी पहचान है उसका लंबा सा मुंह, हल्का सा लाल, और गर्दन से लेकर पूंछ की नोक तक आप देख सकते हैं उसको, उसके ऊपर हल्के से गोल्डन कलर में, हल्के से चॉकलेटी कलर में ये जो फैली हुई नक्शियाँ दिखाई देती है। फिर एक बार पहचान बता रहा हूँ, उसका मुंह देखिए आप, लंबा सा होता है, हल्का सा लाल दिखाई देता है गोल्डन कलर में, और गर्दन से लेकर पूंछ की नोक तक आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर जो गोल्डन कलर में और चॉकलेटी कलर में फैली हुई नक्शियाँ दिखाई देती है। लगभग ये सांप जो रसल वाइपर है उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन रसल वाइपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट तक बढ़ता है, और अजगर सांप जो है 22 फीट तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस सांप को हम बैग में डालते हैं और एक नदी के पास हम इसको रिलीज़ करेंगे। दोस्तों ये सांप जो है शहरों में नहीं मिलते, जहाँ पर बड़े बड़े नदियाँ होती है, बड़े बड़े जंगल है, ऐसे इलाकों में ये सांप मिलते हैं। तो दोस्त आपने देखा अभी कुछ देर पहले एक स्नेक हमने रेस्क्यू किया था, अजगर, हिंदी में मराठी में अजगर, इंग्लिश में इंडियन रॉक पाइथन। दोस्तों आप देख सकते हैं इस सांप को हम पर नदी के पास रिलीज कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, इस सांप को हमने यहाँ पर रिलीज़ किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।